हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, चोट मुझे बास्केटबॉल खेलते ही, ये तो बहुत छोटी मोटी बात है मैम। मेरी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और इसीलिए हमने सिल्वर मेडल भी लिया। हरियाणा की तरफ से हैंडबॉल भी मैंने खेला और हैंडबॉल में मुझे गोल्ड मेडल मिला है। गेम्स में आप बिल्कुल अपना करियर बना सकते हैं लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। कभी भी हार मत मानिए, आज नहीं तो कल आपको जीत जरूर मिलेगी। बेटियां चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मारे हरियाणा की छोरियां भाई किसी भी छोरे से कम नहीं है। एक और खिताब अपने नाम कर दिया है, यही जो मेडल आप लोग देख पा रहे हैं ना, इसकी जो झनझनाहट खनखनाहट आप लोग सुन पा रहे हैं ना, ये जब गले के अंदर पहना जाता है तो एक अलग ही पावर जो है ना वो महसूस की जाती है और इसी के लिए हरियाणा जाना भी जाता है। तो आपको बता देते हैं कि यही जो है 5th नेशनल मास्टर्स गेम्स वाराणसी के अंदर हुए थे और इसी के अंदर हमारे ही शहर हिसार की अबना ने एक और कमाल कर दिखाया। लेकिन आखिरकार ये अबना है कौन, तो आपको बता देते हैं सेंट मैरी स्कूल के अंदर बतौर फिजिकल एजुकेशन की टीचर के रूप के अंदर काम कर रही है और इस वक्त हमारे साथ भी मौजूद है मैडम अबना, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम मुझे ये बताइए कि आपने जो ये गेम्स खेले थे कब से लेकर के कब तक थे और क्या हासिल किया है? ये गेम्स जो थे ये वाराणसी में हुए थे, ये 11-14 फेब हुए थे। बास्केटबॉल में मैंने पार्टिसिपेट किया था बतौर कैप्टन, मैं अपनी टीम को मैंने लीड किया है, मैं अपनी टीम की कैप्टन थी वहाँ पे। हमने इसमें सिल्वर मेडल लिया है और कम से कम 8-9 टीम्स आई हुई थी हमारे एज ग्रुप में और हमने सभी को बहुत, मतलब जितने भी मैचेस हुए थे ना, हमने बहुत हमारे, मतलब मेरी पूरी टीम ने, हमने बहुत अच्छे से वो मैचेस खेले हैं। पूरी टीम का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है और हमने सिल्वर मेडल उसमें प्राप्त किया है, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगी कि मुझे शायद उम्मीद नहीं थी लेकिन मेरी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और हमें सिल्वर मेडल उसमें। मुझे बताइए चोट भी लगी हुई देख पा रहे हैं हम आप लोग, कहीं बास्केटबॉल के अंदर ही खेलते हुए तो नहीं लगी है? हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, चोट मुझे बास्केटबॉल खेलते ही, ये तो बहुत छोटी मोटी बात है मैम, लगी जाती है खेलते हुए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अच्छा अगर बात की जाए बास्केटबॉल की तो मुझे ये बताइए कितना टफ रहा जीतना, क्योंकि शायद पूरे इंडिया के स्टेट्स की टीम्स आई हुई थी अलग अलग जगह, तमिलनाडु की, केरला की, यूपी की, हरियाणा की, तो कितना डिफ़िकल्ट रहा और सबसे ज़्यादा टफ किसको हराना रहा? बिल्कुल ठीक कहा आपने, पूरे इंडिया से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की टीम्स वहाँ आई हुई थी, जिसमें तमिलनाडु, केरला, यूपी, महाराष्ट्र सभी की टीम्स आई हुई थी। तो हमारे लिए बहुत ही टफ कंपटीशन था ये, लेकिन मेरी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और इसीलिए हमने सिल्वर मेडल भी लिया। लेकिन मतलब मैं कहूँगी कि अगर हम थोड़ा सा और हिम्मत करते तो शायद फाइनल भी जीत जाते, लेकिन अभी भी मैं खुश हूँ कि मेरी टीम ने पूरा सहयोग किया और हमने सिल्वर मेडल लिया। अगर फाइनल की बात की जाए तो मुकाबला किसके साथ था? हमारा फाइनल मैच जो था वो केरला से था और सेमीफाइनल जो हमारा था महाराष्ट्र के साथ था। यानी कि महाराष्ट्र की टीम को हरा करके आप सेमीफाइनल जीत चुके थे, ऐसा क्या हुआ कि सेमीफाइनल से सेमीफाइनल पार करने के बाद फाइनल में थोड़ा सा चूक गए? मतलब क्या कहूँ मैं इस बारे में, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हम फाइनल भी जीते, कौन नहीं चाहेगा फाइनल जीतना, पर शायद कहीं ना कहीं हमारी टीम में वो कमी रही जिसे हम नेक्स्ट टाइम पूरा करेंगे और अच्छे से परफॉर्म करेंगे और नेक्स्ट टाइम गोल्ड मेडल लेके आएंगे। मुझे ये बताइए खाली अगर बात की जाए बास्केटबॉल की, इसके अलावा किस किस गेम्स के अंदर आपकी अचीवमेंट रही है या फिर आप बास्केटबॉल ही ज़्यादा खेलती हैं? बेसिकली मैं बास्केटबॉल प्लेयर हूँ वहाँ पे, लेकिन मैं हरियाणा की तरफ से हैंडबॉल भी मैंने खेला है और हैंडबॉल में मुझे गोल्ड मेडल मिला है और मैं खुद एक कोच हूँ। लेकिन जब आप एज प्लेयर खेलते हैं तो आपको खुद एक कोच की ज़रूरत होती है, आप खुद एक कोच हैं पर फिर भी आपको एक ट्रेनर की ज़रूरत होती है और इसके लिए मुझे ट्रेन किया गया इस टूर्नामेंट के लिए मिस्टर अजय लांबा द्वारा, जो GJU में बास्केटबॉल कोच हैं। उन्होंने मुझे पूरी, मतलब पूरा सपोर्ट किया, अपना एक्स्ट्रा टाइम देके इस कंपटीशन के लिए मुझे प्रिपेयर किया। मैं मिस्टर अजय लांबा को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और सेंट मेरी स्कूल के मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, इन्होंने तो मुझे सहयोग किया ही है, क्योंकि जब तक स्कूल की तरफ से आपको हेल्प नहीं मिलेगा, सहयोग नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि आप इतना आगे तक बढ़ पाएंगे। आप पिछले कितने सालों से बास्केटबॉल खेल रही हैं? मैं क्लास 10 से बास्केटबॉल खेल रही हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 16-17 साल हो गए हैं बास्केटबॉल खेलते हुए और मैं 10 साल से सेंट मेरी स्कूल में भी काम कर रही हूँ, तो
यहाँ से मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट मिलता है, कभी टीम को, अपनी टीम को लेकर जाने के लिए भी और खुद खेलने जाने के लिए भी मुझे कभी भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें अपना करियर गेम्स के अंदर बनाना होता है, तो आप क्या मानते हैं कि क्या गेम्स के अंदर करियर बना सकते हैं या फिर सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, गेम पे बिल्कुल करियर बना सकते हैं। आप देखिए हरियाणा से कितने लोग, हरियाणा के इवन इंडिया से भी कितने लोग हैं जो गेम्स में आगे बढ़ रहे हैं, तो गेम्स में आप बिल्कुल अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। अच्छा, उन नए बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे जो अपना करियर बास्केटबॉल के अंदर बनाना चाहते हैं और कैसे जो है इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं? क्या कोई एकेडमी है जहां पर सिखाया जाता है? देखिए, सबसे पहले एकेडमी से पहले आपके खुद के अंदर वो इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, और हिसार में बहुत सारी एकेडमीज है, बहुत सारे स्कूल भी हैं जहाँ पर बास्केटबॉल सिखाया जाता है, तो बास्केटबॉल में आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। क्या कभी कोई ऐसी सिचुएशन हुई खेलने के दौरान जब आपको लगा हो नहीं अब तो मैं नहीं कर पाऊंगी, ना ही मुझे जो है आगे गेम्स के अंदर जाना है, तो उससे आपने कैसे ओवरकम किया? मैम देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, वो फैमिली सपोर्ट लगाइए या कोचेज की तरफ से, मतलब आपको, हमें ऐसा लगता है कि पूरी टीम में कि शायद ये इसको सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा है या इस बच्चे को सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन हार कभी नहीं माननी चाहिए। मैंने कभी हार नहीं मानी, और आज मैं ये जो टूर्नामेंट है, शायद मैंने 6 साल बाद ये मेडल, एक टूर्नामेंट खेल के मेडल हासिल किया है, तो कभी भी हार मत मानिए, आज नहीं तो कल आपको जीत जरूर मिलेगी। जिन टीम्स को आप लेके जाते हैं उनके अंदर लड़कियां भी काफ़ी ज़्यादा होती होंगी, पेरेंट्स आजकल मना भी करते हैं कि नहीं गेम्स के अंदर मत जो है ज़्यादा आगे जाइए, क्योंकि कई सारे केसेस भी ऐसे आ जाते हैं जिसकी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के पेरेंट्स प्रोटेक्टिव होते हैं, तो उन पेरेंट्स को आप कैसे समझाती हैं और उन समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगी कि अपनी बेटियों को आगे गेम्स के अंदर भेजें? जब तक बेटियां, देखिए, पढ़ने के लिए भी बाहर भेजते हैं हम अपने बच्चों को, बेटियां पढ़ने भी जाती है, ट्यूशन भी जाती है, तो गेम्स के लिए ही क्यों मना किया जाता है? मैं कहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ हमारी एक गलत धारणा है कि गेम्स में आप जाएंगे आप सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए गेम्स में, पेरेंट्स को हम अगर हम समझाने का एक तरीका होना चाहिए, उनको विश्वास दिलवाइए कि गेम्स में ऐसा कुछ नहीं है, जैसा पढ़ाई है वैसे ही गेम्स हैं, तो ऐसा अनसेफ कुछ भी नहीं है। स्कूल का इतना नाम होने के बाद अब आपको मिलवाते हैं सेंट मैरी स्कूल की प्रिंसिपल शैली मेहता से। मैम मुझे ये बताइए कि लगातार आपके स्कूल की काफ़ी सारी अचीवमेंट्स आती रही हैं, पहले जो है बच्चों का नाम भी खेलों के अंदर आता था और अब टीचर्स का नाम भी आने लगा है, तो आपके स्कूल का किस तरीके से योगदान रहता है? स्पोर्ट्स को हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। जैसे मैं बात करूँ तो हमारे स्कूल की हर्षिता मोर, जो कि नेशनल लेवल पर रेसलिंग चैम्पियन रह चुकी है, और स्कूल में हमारे बास्केटबॉल, नेटबॉल, चेस, इंडोर गेम्स में चेस है, कैरम है, चाइनीज़ चेकर है, और योगा में हमारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो एशियन लेवल तक परफॉर्म कर चुके हैं और साल दर साल वो बच्चे पोजीशन होल्ड करते हैं। हमारे बहुत से बच्चे खेलो इंडिया में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं और अपनी पोजीशंस रैंक ला चुके हैं। अपना जो कि अभी इसी महीने 11 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक वाराणसी गई हुई थी फॉर मास्टर गेम्स, नेशनल मास्टर गेम्स जो कि वाराणसी में हुए थे, वहाँ पर उसको बास्केटबॉल में सेकंड सिल्वर पोजीशन, सिल्वर मेडल मिला है। और मेरे स्पोर्ट्स के टीचर्स बच्चों को तो प्रमोट करते ही करते हैं और स्कूल भी टीचर्स को खूब प्रमोट करता है, अगर वो ज़िंदगी में कुछ अपने लिए करना चाहते हैं तो उनको कभी रोका नहीं जाता, जो भी सहूलियत उन्हें चाहिए होती है या जो स्कूल दे सकता है वो अपने लेवल पर उनको देता है। तो 5th नेशनल मास्टर गेम्स जो वाराणसी के अंदर हुए थे 11 से लेकर के 14 फरवरी तक, उसके अंदर अपना मैडम ने सिल्वर मेडल हासिल किया है, तो वहीं आपको बता देते हैं एक और गेम के अंदर गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। अगर आप लोगों के बच्चे भी इसी तरीके से स्पोर्ट्स के अंदर आगे बढ़ना चाहते तो उनको रोकिए मत, उनको आगे लेकर के जाइए, और आगे आने वाले समय के अंदर देखने वाली बात यह है कि हिसार के अंदर से कितनी और अचीवमेंट्स निकलने वाली है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार।